दुबी दुबी पाँव मौत आती है आने दो, आघट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। दुबी दुबी पाँव मौत आती है आने दो, आघट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है। आत्म के जोरी को इसका कुछ दर्द नहीं, कौन जन्म पाता है कौन मृत्यु पाता, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता। दबे दबे प्रिय बंधुओं, ये मत सोचो जैसे जंगल में बड़े बड़े जानवर भी दबे दबे पांव आते हैं और झपट्टा मारते हैं, उसी तरह से मृत्यु दबे दबे आ रही है। और कब किस पर झपट्टा मार दे, हिरणों के समूह में शेर आकर कब झपट्टा मार दे, ये बात अलग है कि हजार हिरण में शेर हजार को नहीं पकड़ सकता है, लेकिन शेर एक दो का तो घात, बोलो उसको एक ही तो चाहिए, शेर एक का घात तो करके ले ही जाता है। उसी तरह से मृत्यु कब आए और किसे ले जाए इसका कोई पता नहीं है। तो इस तरह से मम पुत्तम, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी भार्या है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मेरा खेत है, अनाज है, दुकान है, मकान है, ये मेरा है, ऐसी तीव्र आकांक्षा के साथ क्या करता है जीव, धम्म बुद्धि चयूर्ण, धर्म बुद्धि को छोड़ देता है, पाप बुद्धि में लीन हो जाता है और धर्म बुद्धि को छोड़ देता है। आचार्य भगवान कहते हैं, एक श्लोक दर्शन पाठ में आया है, मा भुवम चक्रवर्ती, क्या लगा, मा भुवम चक्रवर्ती स्याचेतो जिन धर्म विनिर्मुक्त्वा, जिन धर्म विनिर्मुक्तम, मां भुवम चक्रवर्ती, जैन धर्म को छोड़कर के मुझे चक्रवर्ती होना भी श्रेष्ठ नहीं है। क्या, जैन धर्म को छोड़कर मुझे चक्रवर्ती होना अच्छा नहीं है। स्याचेटा भी, मैं दास हो जाऊं, दरिद्र हो जाऊं, ये अच्छी बात है, लेकिन धर्म छोड़कर के मैं चक्रवर्ती हो जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। अब बोलो क्यों भाई, आप रात्रि भोजन क्यों नहीं त्याग कर पाए? बोले महाराज सर्विस से रात में 10 बजे आते हैं, यानी धर्म छूट गया ना। भाई आप मंदिर क्यों नहीं आते प्रतिदिन? महाराज सुबह से उसी तरफ सर्विस में जाना पड़ता है घर से, इसलिए संडे टू संडे मंदिर आते हैं, यानी तुम्हारा धर्म छूट गया। धन के लिए धर्म नहीं छोड़ना मित्र, धन तुम्हारी सेवा के लिए है कि तुम धन की सेवा के लिए हो? तुम धन के लिए हो कि धन तुम्हारे लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धन के लिए पैदा हुए हों? हम धन की रक्षा करें और आगे आकर के दूसरा कोई भोगे। इसलिए तीव्र आकांक्षा रहती है और चयूण धम्म बुद्धिम, धर्म बुद्धि को छोड़कर पश्चा पश्चात परिभ्रमति दीव संसारे, यह जीव दीर्घ संसार में गिर जाता है। प्यारे प्यारे बंधुओं, इसलिए अपने जीवन को समझो, समझो, ज़्यादा लालसा मत करो, ज़्यादा तृष्णा में मत पड़ो, जितना है उतने में सुखी हो जाओ। अब जितना समय बचा सको उतना समय अपनी आत्मा को दे दो, अब रिटायर्ड हो जाओ। यदि सर्विस में होते तो 58, 60, 62 रिटायर्ड होते ना, तो अब तुम्हें अपने व्यापार से रिटायर्ड ले लेना चाहिए। और जिनको तीव्र आकांक्षा होती है
ध्यान देना, मधुमक्खियां जो होती हैं वे इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और एक दिन छत्ते में आग लगती है और पूरा सद नष्ट हो जाता है। तुम एकत्रित करने में मत लगो, अब तो अपने आत्मा की भलाई में कितना समय दे पाए। अच्छा, जिनके संस्कार नहीं होते हैं आत्मा के भला करने के, वे 60 के बाद फिर से कोई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, सोचते और एक आध नौकरी पकड़ लो, एक आध नौकरी और पकड़ लो। क्यों भैया? यदि तुम्हारे पास आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त है तो अब तुम समय दूसरे की नौकरी में नहीं लगाओ, आत्मा की सेवा और आत्मा के सेवन में लगाओ। तुम्हारे पास जितने ग्रंथ हैं उनमें लगाओ, अध्ययन में लगाओ। इंदौर में प्रकाश छावड़ा, विकास छावड़ा, ये दो भाई हैं, विकास छावड़ा और प्रकाश छावड़ा, ये सर्विस करते थे। इन विकास छावड़ा को 6,25,000 प्रति महीने का मिलता था, कितना? 6,25,000। और प्रकाश छावड़ा की भी ऐसी सर्विस थी, अर्थात 60,00,000-65,00,000 का पैकेज इनके साल भर का था। लेकिन दोनों भाई नौकरी छोड़ करके आ गए। क्यों? क्यों? बोले मेरे जीवन का क्रीम टाइम जो है, यदि मैं वो नौकरी में दे दूंगा तो फिर मेरे बुद्धिमान होने का अर्थ क्या निकला? मैं उन मूर्खों की नौकरी करूं जिन्हें 7 व्यसनों में पैसा उड़ेलना है, मैं उनके कमा के दूं और मैं अपना जीवन का क्रीम टाइम इनमें निकाल दूं तो मैं क्या करूं? और अच्छा है, मैं 60,00,000 कमाने की जगह मैं अपना ये पैसा बैंक में डालूंगा, 60,000 के भीतर खर्च चलाऊंगा। क्या प्रकाश छावड़ा, उनकी श्रीमती, उम्र 35 साल, अभी उनकी 43 हो गई, 35 साल की उम्र में अमेरिका से नौकरी करके वापस आ गए। विकास छावड़ा उसका भाई 32 साल में नौकरी करके वापस आ गया, और दोनों ने नौकरी छोड़ दी। मैंने पूछा, और दोनों ने 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। प्यारे बंधु, जब मैंने पूछा, बोले मेरा श्री, मुझे ये समझ में आया कि अमेरिका के लोग हम भारतवासियों को बुद्धिमान मानते हैं, वो जब मैंने यहाँ के लोगों को देखा कि जब हम बुद्धिमान हैं तो हम इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? बुद्धिमान तो हमारे जिनेंद्र वर्णी थे, जिन्होंने जिनेंद्र सिद्धांत कोष की रचना की, वकीलत को छोड़ दिया। आपको मालूम होगा तपस्वी सम्राट सनत सागर महाराज गवर्नमेंट सर्विस करते थे। सिर्फ एक बार किसी बड़े अधिकारी ने कहा कि मुझे कुछ रिश्वत दो, इन्होंने मना कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, उन्होंने कहा निकालने का अवसर ही नहीं आएगा,